एग और सेल मिल चुके हैं, प्रेगनेंसी रुक चुकी है, इसके बाद कौन से लक्षण दिखते हैं जिसको आप अनुभव करोगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बताओगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है और अब आपको टेस्ट करने का जो समय है वो आ चुका है। एग और सेल मिलने के बाद प्रेगनेंसी रुकने में भी टाइम लगता है। जैसे कैसे? एग और सेल मिलने के बाद भी कुछ दिनों का वक्त चाहिए जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि गर्भ की दीवार पर जो एम्ब्रियो बना है एग और सेल मिलने के बाद वो जाके चिपकता है। तो एग और सेल मिलने के बाद क्या होता है कि जिस भी साइड में फेलोपियन ट्यूब में उपस्थित होगा पहले से एग अंडाणु, वहाँ पे अगर वहाँ पे शुक्राणु जाएगा तो वहाँ पे मिलेगा और उसके बाद क्या होगा कि हल्की सी, हो सकता है कि वाइब्रेशन जैसे फील हो या फिर हल्की सी, वो वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी, अंदर की जो क्रियाकलापें हैं वो हो रही हैं, तो वहाँ पे हल्की सी पेन जैसे आपको बाहरी तौर पे अनुभव होगा। ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये दर्द जो होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये किसी भी आपको साइड महसूस होगा, किसी भी जांघ के पास, यानी कि या तो आपको लेफ्ट या राइट साइड वाले आपके फेलोपियन ट्यूब में किसी भी साइड में आपको ये दर्द महसूस होगा, साथ में आपको हल्की सी उसके तरफ वाले पीछे की तरफ आपको कमर में भी हल्की सी दर्द महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों मिल चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि 6 से लेकर 12 दिनों का समय लगता है जब एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनते के समय वो हल्के हल्के से ट्रैवलिंग करते हुए, चलते हुए वो आपके गर्भाशय तक पहुँचता है। वहाँ पर जो ब्लीडिंग के फॉर्म में मोटी सी दीवार बनी हुई होती है उसमें हल्की सी खुरचन करके वो अपने आप को समाहित करता है, चिपकाता है। अब यहाँ से जो है आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। कई महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल कब हो जाता है? जब वो एग और सेल मिल चुका है और उसके बाद वहाँ पे थिक लाइनिंग नहीं बन रही है या फिर किसी भी संयोगवश वो वहाँ पे चिपक नहीं रही है, तो वो क्या होगा कि पीरियड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चिपक चुकी है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो जो बनता है वो क्या होगा कि चिपक जाएगा 6 से 12 दिन के बीच में। फिर अब आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनेंगे, अब आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा बनेंगे और क्या होगा आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो लक्षण दिखने शुरू होंगे। अब ये इम्प्लांटेशन के दौरान भी ये दर्द फील होता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, ब्रेस्ट में हल्की सी टेंडरनेस फील होने शुरू हो जाएगी, भारीपन फील होना शुरू हो जाएगा, निपल में इचिंग जैसा फील होगा, किसी साइड एक ब्रेस्ट में हल्का सा भारीपन ज़्यादा फील होगा, पेट में जो है गैस ज़्यादा बनने लगेगा, ब्लॉटिंग्स होने लगेगी, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब से जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाना और उसके बाद आप बताना कि ये सिम्टम्स